तरफ जहां 10 मई को विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहां स्थानीय लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा केदारनाथ में उनकी दुकानों को तोड़ा गया और उनके पुराने भवनों की नींव भी खोदी गई। इतना ही नहीं, मंदिर जाने के मुख्य मार्ग पर गड्ढे ही गड्ढे बनाए गए। जब स्थानीय जनता ने इसका विरोध किया तो अब प्रशासन ने गड्ढों को भरने का कार्य शुरू कर दिया। वहीं पूरे मामले में अब लोगों ने केदार सभा में निर्णय लिया कि 10 मई से पूर्वी केदारपुरी में शासन प्रशासन के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी और सभी दुकानें होटल बंद रहेंगे। रुद्रप्रयाग से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। शासन प्रशासन द्वारा श्री केदारनाथ में भवन स्वामियों के भवनों के आगे गड्ढे बनाए गए एवं मंदिर के सामने का जो मार्ग है वो खोदा गया, लोगों के भवन तोड़े गए, दुकान तोड़ी गई बिना किसी सहमति के, बिना कोई नोटिस के जबरन, जबकि लोगों का वहां पे भूमिधरी अधिकार है, और फिर बाद में विरोध के बाद उसको गड्ढों पे भरा गया और जो भवन वगैरह नुकसान हुए हैं उनका मूल्यांकन किया गया। लेकिन ये तोड़े क्यों गए इसका स्पष्ट जवाब आज तक हमको नहीं मिला है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। और 10 तारीख से भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलने वाले हैं, लेकिन जो हमारे वहाँ पे व्यवसाय हैं, धर्मशालाएं हैं, तीर्थ ये प्रसाद के दुकानें वगैरह हैं, होटल हैं, हम पूर्ण रूप से अनिश्चितकालीन के लिए 10 तारीख से बंद रहेंगे। जय बाबा केदार, हर हर महादेव।